सिवान असलाल को उम्मीद करते आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वाला मेरा वीडियो बन रहा विनोद दुआ जी पर। मैं जब जब ये वीडियो बनाने की सोची तो मुझे चोट पे चोट लगती चली जा रही थी। आज 3 दिन से मुझे चोट लग रही थी लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो गई थी चोट में, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही। कुछ दोस्त कॉल कर करके पूछ भी रहे थे, नहीं अब ठीक है अल्लाह का शुक्र है आराम मिल गया तो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। विनोद दुआ जी पर मैं बात करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं मुसलमानों से क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए। कुछ मुसलमानों ने कॉल करके हमारी खुफिया एजेंसी से, मतलब मेरे दोस्तों से, उन्होंने बोला है कि हीर खान जी वीडियो बनाती है, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हीर खान जी सिर्फ काफिरों को गाली दे, काफिरों को बुरा भला बोले और मुसलमानों को कैंसर चारक के नाम से ना पुकारें, सबसे पहली बात। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हीर खान जी हम लोगों को लिए वीडियो बनाती है तो हम लोगों को टारगेट ना करें, इससे काफिर खुश होते हैं, सबसे पहली बात। जिस मुसलमान ने ये बात कही, तुम्हें किसने बोला कि हीर खान तुम लोगों के लिए वीडियो बनाती है? तुम लोग हो कौन मेरे? तुम लोग हो कौन? तुम्हें किसने कह दिया कि हीर खान मुसलमान के लिए वीडियो बनाती है या हीर खान पूरे काफिर से नफरत करती है? मैं नफरत उससे करती हूँ जो मेरे इस्लाम को गालियाँ देता है, डंके की चोट पर कहती हूँ कि जो मुसलमान भाईचारे का दम भरता है वो निहायती पक्का कैंसर चारा है, वो पक्का कैंसर चारा है। अब रही बात इस बात को सुन के काफिर खुश हो तो मेरे बाप के ठेंगे पर जाए, जो गलत होगा वो मैं कहूंगी। तुम ही मुसलमान हो कि जो भाईचारे का दम भरते हो, काफिर हमारा भाई है, काफिर जब गरीब मुसलमान की बहुत लिंचिंग होती है तो यही मुसलमान दो चार मुसलमान बिक के टीवी पे डिबेट्स करते हैं, जो कट्टर मुसलमान होते जो आवाज़ उठाते हैं कि नहीं कोई निर्दोष मारा गया उसकी आवाज़ दबाते हैं, तो जब हम उन मुसलमानों को कैंसर चारा बोलते हैं तो तुम लोगों को तकलीफ हो जाती है, तुम लोगों को लगता है काफिर खुश होते हैं। होने तो मेरे बाप के ठेंगे पर, लेकिन जो सच है वो मैं डंके की चोट पर बोलूंगी। तुम वही मुसलमान हो जो भाईचारे का दम भरते हो लेकिन तुम लोग भाईचारा सही जगह नहीं निभाते। अगर तुम भाईचारे का दम भरने वाले अगर भाईचारा सही जगह पर निभाते तो आज भारत टूटने के कगार पर न खड़ा होता। आज तुम वही मुसलमान हो मल्टीपर्पज जो हुकुम देव के वीडियोस आते हैं उनके व्यूज 1 घंटे में जाकर देखो और 1 घंटे में अंकुर आर्या का व्यूज जाकर देखो, शर्म से चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरोगे। मैं बात को क्लियर कर दूं, मैं किसी मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम, अपने नबी पाक, अपनी अम्मा आयशा के लिए वीडियो बनाती हूँ और सारी जिंदगी बनाती रहूंगी। और यहाँ तक अगर नौबत आई तो मुझे तुम लोग का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं फेस टू फेस अंकुर आर्या से बात करने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए। क्योंकि तुम वही मुसलमान हो जब अंकुर आर्या हमारी अम्मा की शान में गुस्ताखी करता था, जब नबी पाक को गालियां देता था, जब अल्लाह पाक को गालियां देता था, तुम वही मुसलमान हो। तुम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, आज तुम लोगों के नज़रअंदाज करने के उसकी वजह से आज अंकुर आर्या ने अपने चैनल बनाया, गोदी मीडिया की आड़ है, मुसलमानों को मारने की साजिश रचता है, उनके रसूल पाक को, उनकी अम्मा आयशा को, उनकी अल्लाह पाक को गालियाँ देता है, मुसलमान की और मुसलमानों की फीलिंग्स हर्ट होती है, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। मैं उसके साथ हूँ चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान, मैं उसके साथ हूँ जो सच की बात को, सच को सच बोलता है, झूठ को झूठ बोलता है। मैं मक्कार, मैं फितीर, मैं अय्यार मुसलमानों के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। उम्मीद करते हैं भेजे में कुछ घुस गया होगा, अगर ना घुसा हो तो सुई कोस लेना घुस जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुनो, मैं उन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती हूँ जो गरीब मुसलमान है, जो अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि जो गरीब अपने लिए आवाज़ उठा ना सके तो उसकी आवाज़ बन के पूरी दुनिया में आवाज़ उठाओ। ये हमारे नबी पाक ने अपनी हदीस में फरमाया है, बताया है, जो गरीब मसलूम, ना कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, उन्होंने हिंदू के लिए बोला है, उन्होंने सरदार के लिए बोला है, उन्होंने ईसाइयों के लिए बोला, उन्होंने यहूदियों के लिए बोला, हर इंसान को वो एक नज़र से देखते थे। हमारे नबी पाक ने यह फरमाया है कि अगर कोई गरीब हिंदू हो, अगर कोई गरीब मुसलमान हो, अगर कोई गरीब सरदार, अगर उनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है या उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं कट्टर से कट्टर जो कातिल होते हैं, जो काफिर होते हैं, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, आप उनकी आवाज़ बनिए, उन गरीब मुसलमान गरीब हिंदुओं की आवाज़ बनिए, हमारे नबी पाक ने ये फरमाया है, तो बस हम उनकी आवाज़ बनते। और जो तुम जैसे मुसलमान हो, घर में बैठ के वीडियो देखते हो, इधर उधर की जो गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, टिकटॉक पे मुजरा करते हो, तो तुम लोगों के लिए किसने कह दिया हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं? हम तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम अपने इस्लाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो दोबारा हमारे दोस्तों पास कॉल करने से पहले 100 बार अपने गिरेबान में झांक लेना, ठीक है? चलो
अब इसमें भी कुछ मुसलमान को हम टारगेट करेंगे, विनोद दुआ जी को लेकर। विनोद दुआ जी के बारे में मैं इनको नहीं जानती थी ये कौन है, लेकिन ये पत्रकार हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। जब मैंने इनके चैनल को जाकर विजिट किया, इनकी जब मैंने बातें सुनी, इतने शांत दिमाग के इंसान, इतनी अच्छी बातें, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो अपने वीडियो में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की बात नहीं करते, वो अपने वीडियो में मुसलमानों को आतंकवाद नहीं बोलते, वो अपने वीडियो में पाकिस्तान को अहमियत नहीं देते, वो अपने वीडियो में फर्जी बातें नहीं करते, इसीलिए वो देशद्रोही हैं। बाकी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और कपिल मिश्रा, ये सब देशभक्त हैं, गोडसे की नाजायज औलादे। वैसे हम एक बात कह चाहते हैं मोदी सरकार से, तुम लोग कब तक सेकुलरों पे मुकदमा करते जाओगे, चाहे वो सेकुलर मुसलमान हो या सेकुलर हिंदू, किसी कट्टर पर करके देखो, कट्टर ऐसे चीर के ऐसे घुस जाएगा तुम्हारे। तो कपिल मिश्रा की जो मदर है, मुझसे पूछना चाहते हैं, कपिल मिश्रा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी कपिल मिश्रा के कितने बाप हैं? पूरी वीडियो में होश और हवास से कह रहे जो यहाँ कह रहे वो रोड पर भी कहेंगे। कपिल मिश्रा तो कितने बाप की औलाद, तो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है मिक्सिंग, वो बता मुझे। कपिल मिश्रा पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होगा, लेकिन दर्ज होगा विनोद दुआ पे। विनोद दुआ के लिए कितने मुसलमान या कितनी मुसलमान की औरतें रोड पर उतरी? क्यों विनोद दुआ तुम्हारे नहीं है कि वो हिंदू है, उनको छोड़ दिया गया? जब NRCCA का जो ये बिल आया था, तो हमारी माँ बहनों ने कितनी हिम्मत दिखाई, शाहीन बाग तैयार किया गया, हर जगह शाहीन बाग बना। क्या किसी भी जो मुसलमान भाईचारे का दम भरते हो, क्या ये मुसलमान ने हमारे विनोद दुआ के ऊपर आवाज उठाई? क्या ये मुसलमान हिंदुस्तानी भाव को सपोर्ट करता है और वो शुभम मिश्रा को सपोर्ट करता है, क्या उसने विनोद दुआ को सपोर्ट किया? बहुत कॉल आए मेरे पास, सबने, दो तीन हिंदू का भी कॉल आया, उन्होंने बोला हीर जी आप विनोद दुआ पे कुछ बोलिए। तो मैं ये देख रही थी जो भाईचारा, जो कैंसर चारा है भारत के अंदर, वो तुम्हारे विनोद दुआ पे आवाज उठाएगा? ये जो, क्योंकि ये जो कैंसर चारा है, ये सिर्फ कैंसर चारे में काम आता है। जैसे कि ये सपोर्ट करता है हिंदुस्तानी भाव को, हिंदुस्तानी भाव की चाटता है, जैसे ये मतलब शुभम मिश्रा को चाटेगा, जैसे ये हर जगह जाके चाटेगा, लेकिन कभी सही बात पर आवाज नहीं उठा। कितने मुसलमान द लाइव टीवी को छोड़कर, कितने मुसलमान है जो विनोद दुआ के लिए आवाज उठाए? कितनी हमारी माँ बहने हैं जो हिम्मत करके हमारे विनोद दुआ जी के लिए आवाज उठाया? आखिर उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? उनकी गलती क्या थी? पता है दोस्तों, जब मैंने जब उनके वीडियो देखे, तो मेरी मदर भी बगल में बैठी थी, मेरी मम्मी कहीं देखा कैसे, कितनी अच्छी बात कर रहे, कितनी अच्छी सरकार से, और एक तो इतना गुस्सा दिखाती। पता है जब मैं गुस्सा आता, मैं अपने सारे घर का सामान तोड़ डालती हूँ, इतना मुझे जुनून। जब कोई मेरी अम्मा आशा को गाली देता, मेरा तो एकदम खून खोल जाता है मेरा उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरी अम्मा आशा है। अगर मेरी माँ ने मुझे 9 महीना पेट में रख के मुझे पैदा किया है, तो मेरी अम्मा आशा से मुझे इल्म हासिल हुआ। मेरी अम्मा आशा को कोई गालियां दे दो तो मैं सीतों को चीर फाड़ दूंगी। लेकिन देखो ना, जब मैं वीडियो देख रही थी, मम्मी ऐसे बगल में बैठी, मम्मी कहीं ये कौन है, मैंने बताया इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तो जब मैंने उनके वीडियोज देखे, इतनी शांति से वीडियो बनाते हैं, इतनी अच्छी उनकी बोल, इतने नर्म मिजाज के इंसान, इतने मतलब उम्र, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आखिर मोदी सरकार, तुम कहती हो हिंदुओं की हो, तो हम कहते हैं तुम अपने हिंदुओं को तो बख्श दो, हम मुसलमान तो अपना शिफ्ट हो जाएंगे। तुम इन हिंदुओं को बख्श दो, हमारा मुसलमान, हम अपना शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम हिंदू 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 नहीं, तुम्हारा मुसलमान चारा नहीं है। मुसलमान तो बस एक दो चार जैसे तारीख फतेह जैसे लोगों को खरीद के, मुसलमान तो बस एक सैंपल है तुम्हारे लिए, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए, देखो मैं मुसलमान विरोधी। एक्चुअली तुम मुसलमान विरोधी नहीं हो, एक्चुअली तुम हिंदू विरोधी हो, तुम हिंदुओं का खून पी रहे हो। आखिर विनोद दुआ जी की गलती क्या थी? उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा क्या गलत बोल दिया था, या फिर उन्होंने अपनी वीडियो में, या कौन सा मसूद अजहर का साइड लिया था, या हाफिज सईद का साइड लिया था, या दाऊद इब्राहिम का साइड ले लिया था, या फिर मतलब किसका ऐसा साइड ले लिया था जो नरेंद्र मोदी कलेजे में टीस उड़ गई? ऐसा क्या कर दिया था विनोद जी ने? यानी ऐसा कुछ ऐसा तो किया होगा ना, ये तो नहीं बोल दिया कि मसूद अजहर मतलब बेगुनाह है, या तो कहीं विनोद दुआ जी ने ये तो नहीं कह दिया कि जो मतलब पुलवामा में जो हमला हुआ तो वो मोदी ने करवाया है, ये तो नहीं कहा था ना विनोद जी ने? खैर,
विनोद जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सरकार से क्वेश्चन करते थे, जो सरकार के फैसले आते थे बिना मतलब जो तैयारी की, लॉकडाउन कर देना। आज मोदी तुम्हारी वजह से जो मजदूर मारे गए हैं उनके घरों में जाके झाको। हम कहते हैं कि भारत में जाए सैनिक मरे, हम कहते हैं हमारे कश्मीरियों को तुम लोग बेगुनाह मारते हो, वहाँ सिविलियंस मारते हो, कहते हो आतंकवाद। हम कहते कोई भी इंसान अगर भारत में मरता है, कश्मीर को तुम लोग कहते हो हमारा, हम कहते कोई भी कश्मीर को ले लो, हिंदू को ले लो, मुसलमान को, सरकार कोई भी, जब इंसान मरता है तो उसके साथ सिर्फ वो नहीं मरता, उसके साथ उसके परिवार की पूरी खुशियां मर जाती हैं। क्या वो खुशियां तुम पैसों से भर देते हो? वैसे हमारे भारत का तो दस्तूर हो गया है कि अगर किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, अगर कोई हिंदू मोदी के खिलाफ जाता है, उसको मारा जाता है, तो उसको पैसे से उसका मुंह दबा दिया जाता है। क्या एक मौत की कीमत, क्या उस मौत का जो दर्द होता है परिवारों का, तो क्या वो 1 लाख से 5 लाख से उनका दर्द भर जाएगा जो उनकी गोद उजाड़ी जाती, क्या उससे मतलब उस पैसे से दर्द भर जाता, उस पैसे से उनकी उनकी जो सूनी गोद होती है वो भर जाती है? अगर ऐसा होता तो शायद मोदी ये तू अपने ऊपर फॉर्मूला इस्तेमाल करके देख, अपने ऊपर फॉर्मूला ये इस्तेमाल करके देख तू। दोस्तों आपको बता दें विनोद दुआ जी की गलती क्या थी। हम कहते हैं कि विनोद दुआ जी को अपनी वीडियो में यह कहना चाहिए था कि मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करो, गाय को सर पर बैठा के नाचो, और तीसरी बात यह कि मुसलमान को देश से निकालो, मुसलमान आतंकवाद है। अगर वो अपनी वीडियो में ये सब कहते तो वो एक देशभक्त थे, और उन्होंने ये सब ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इस टाइम पे कोई भी मोदी से क्वेश्चंस करेगा तो वो तो या तो पाकिस्तानी हो जाएगा, या फिर जो है मसूद अजहर का रिश्तेदार हो जाएगा, या फिर हाफिज सईद का रिश्तेदार हो जाएगा, या फिर ओसामा बिन लादेन का रिश्तेदार हो जाएगा, या फिर दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार हो जाएगा। मतलब मोदी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, यानी अगर कोई मोदी से मोदी के सवालों का मतलब जो मोदी सब करते हैं बिना तैयारी का हर काम करते, यानी बिना नारा डाले पजामा पहन लेते, फिर ढूंढता है नारा किधर घुस गया। तो अगर इस पर कोई मतलब सवाल करता है कि मोदी ने ये काम गलत किया है, तो वो देशद्रोही हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो देश का अव्वल नंबर का गद्दार हो जाएगा। तो विनोद दुआ जी ने ऐसा कहाँ बम चला दिया, या विनोद दुआ जी ने ऐसा कौन सा विस्फोट कर दिया कि मोदी के कलेजे की हड्डियां जो पसलियां चूर चूर हो गई? आखिर किस बात का हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि कानून अंधा होता है आंख पे पट्टी बांध लेते हैं, तो हम कहते हैं आंखों के अंधे, क्या दिल के भी अंधे हो? दिल की बातें नहीं समझ सकते, या फिर दिमाग के भी अंधे हो, दिल के भी अंधे हो? तो फिर एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं वहां के जजेस से कि हर जगह से अंधे हो जाओ। वैसे भी कोरोना वायरस तो आया है, सबको रिश्तेदार बना के जाएगा, सबको अपना समधियाना बना के जाएगा, इसके बाद देखते जाओ और से और बढ़ के आएगा, कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस आने वाला है दुनिया में। यही सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के बारे में गलत फैसला देता है, यही सुप्रीम कोर्ट एक बलात्कारी को, निर्भया के रेपिस्ट को फांसी देने में 20 साल लगा देगा, लेकिन देखो यही सुप्रीम कोर्ट जमातियों को सजा देने में 3 महीने में चटपट सब कुछ कर देता है। यही सुप्रीम कोर्ट, यही पुलिस प्रशासन, जो विनोद दुआ जैसे लोग हैं, रवीश कुमार है, अजीत अंजुम, इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगाने में नंबर वन है। अगर यही पुलिस वालों से कह दिया जाए भैया वहाँ चले जाओ, धर्म के नाम पे लड़ाई हो रहा, तो यही पुलिस वाला बैठ के कहेगा कि हम तो हिंदुओं का साथ दे रहे, हम तो चाहते हैं मुसलमान मारा जाए। लेकिन जब यही पुलिस वालों से कहा जाए कि तुम जो अपने हिंदुओं के खिलाफ जाके हिंदुओं पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे हो, उन पे मतलब पुलिस केस कर रहे हो, तब तुम्हारा हिंदू धर्म, तुम्हारा राम का धर्म कहाँ घुस जाता है? अपनी अम्मा के पिछवाड़े घुस जाता है क्या? विनोद, अभी तो विनोद दुआ जी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, आगे आगे देखो, अभी रवीश कुमार लाइन में खड़े हैं, अभी हमारे अजीत अंजुम खड़े हैं, अभी अभिषार शर्मा खड़े, हो सकता है इन पे हो भी गया हो। गौरी लंकेश को तो हटा दिया गया, जज लोया को भी हटा दिया गया, जो कोई इस टाइम पे मोदी मतलब काना दज्जाल, और कोई भी माइका लाल मीडिया अगर हमसे मिलता और हमसे बोलता कि तुमने ये बात कही थी, तो बीच चौराहे पे कहेंगे मोदी काना दज्जाल का दादा है, किसी के गांव में मिर्ची लगती है तो लगने देना। कोई भी हो, विनोद दुआ जी हो या रवीश कुमार हो, कोई भी हो, अभी तो देखो, अभी ये और ना जाने कितने हिंदुओं पे ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है।
जो भी कोई इस टाइम पे मोदी अमित शाह योगी के खिलाफ जाएगा उसको जेल में डालकर उसको मारा जाएगा, उस पर केस चलाया जाएगा, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाएगा। हम यहीं पे कहते हैं तो कितने 33 करोड़ मुसलमान की बहन बेटियां अपने घरों से विनोद दुआ के लिए आवाज उठाया। हम कहते हैं तुम लड़कियां कहती हो कि नहीं हम रोड पे नहीं निकल सकते, लेकिन NRC के लिए तुम निकल के दिखाई। हम कहते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा, अगर मुसलमान की हर एक बेटियां, मुसलमान की हर एक औरतें अगर विनोद दुआ जी के सपोर्ट में आ जाए और ये दिखाएं कि हम वाकई में भाईचारा निभाते, हम वाकई में काफिरों को अपना भाई मानते, तो साबित करो कैंसर चारो, साबित करो विनोद दुआ जी के लिए आवाज उठाओ, उनके कदम से कदम मिला के चलो, साबित करो कि हाँ भारत में हम भाईचारे के साथ रह सकते हैं। और ये जो कुछ मुसलमान छुपे दोगले होते हैं जो हिंदुस्तानी भाव और शुभम मिश्रा की जाके गाढ़ चाटते हैं, गाढ़ मत चाटो नहीं तो एड्स हो जाएगा, और फिर हम जो कैंसर चारा कहते हैं मुंह में कैंसर भी हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं भाईचारा सही जगह पे निभाओ, गलत जगह पे ना निभाओ। अगर गलत जगह पे निभाओगे तो लोग तुम्हें कैंसर चारे के नाम से बुलाएंगे, अगर सही जगह पे निभाओगे तो इसी हिंदुस्तानी मुसलमानों का लोग मिसाल देंगे कि ये देखो हिंदुस्तानी मुसलमान है जो भाईचारे के लिए हर एक के लिए आवाज उठाता है। हम सभी मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं विनोद दुआ जी के लिए आवाज उठाओ। उनके वीडियो इतने, क्या उनको कभी गुस्सा नहीं आता? मतलब अगर मेरे अल्लाह कोई गाली देता है तो मैं तो अपने पूरा सर घर पे उठाती, सब कुछ तोड़ फोड़ देती, इतना गुस्सा आता है। लेकिन जब मैंने उनके वीडियोस देखे, इतने शांत दिमाग से वो वीडियोस बनाते, इतने अच्छे सवाल सरकार से पूछते हैं, इसीलिए सरकार के पिछवाड़ा जैसे लगता है किसी ने काट के नींबू छिड़क के उसमें लाल मिर्च थोप दिया है। तो उम्मीद करते हैं कैंसर चाराओं को भी समझ में आ गया होगा, और बस यही कहना चाहते हैं जो हमारे ऑनेस्ट मुसलमान है वो प्लीज विनोद दुआ जी के सपोर्ट में आओ, उनके लिए हर एक मुसलमान आवाज उठाओ, हर एक मुसलमान की औरतें आवाज उठाओ। अगर वो तुम लोग कहते हो कि हिंदू हमारा भाई है तो ये बात साबित करके दिखाओ कि हाँ वाकई में तुमने किसी अच्छे हिंदू के लिए आवाज उठाई है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।